Hello guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. My name is Mehreen Sayed and I'll be teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Account Assistant. जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा जिसमें जो है साइंस का पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का है, आउट ऑफ विच 3 से 4 MCQs आपके केमिस्ट्री से आएंगे. वेल आई बिलीव 3 आए या 4 आए आपको करने सारे हैं, बिकॉज इफ़ यू सीरियसली वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड इवन 1 मार्क्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस. सो बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, सिंस आई नो आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, सो आई विल ट्राई टू कीप द कॉन्सेप्ट्स एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ऑल राइट, तो स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स केमिस्ट्री. जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली पता होगा कि केमिस्ट्री क्या है, और जिनको नहीं पता है या जिनको पता भी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है. बेसिकली केमिस्ट्री के लिए क्या क्या कहा जाता है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें किसके बारे में स्टडी करवाती है, मैटर के बारे में. केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें मैटर के बारे में स्टडी करवाती है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, व्हाई डू वी स्टडी अबाउट मैटर इन केमिस्ट्री, बिकॉज इट्स सेड टू बी कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मैटर का बना है. हमारे पास दुनिया में हर छोटी चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है. सो इन होल हमें पता होना चाहिए मैटर जो है वो है क्या और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो केमिस्ट्री के लिए ये कहा जाता है कि साइंस की वो ब्रांच जो मैटर के बारे में हमें बताती है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि मैटर है क्या. अगर हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो मैटर क्या है. मैटर जो है हम हर उस चीज़ को बोलेंगे जो स्पेस लेती है और जिसका मास होता है. सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक मास हो और जो एक स्पेस पकड़े वो मैटर कहलाता है. अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में व्हाई नॉट वेट. दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क जो कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में, दैट मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. ये गलत डेफिनेशन है. जो राइट डेफिनेशन है वो है ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. अब हम ये पता करेंगे राइट डेफिनेशन ये क्यों है. वेट के लिए क्या कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है वो हम उसका वेट कंसिडर करते हैं. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यानी कि ये अगर मैं इस बॉटल की बात करूँ, इसका जो वेट है राइट नाउ इस जगह पे रह के कुछ और होगा, इक्वेटर पे जाके कुछ और होगा, पोल्स पे जाके कुछ और होगा, या मून पे लेके जाके कुछ और होगा. वो डिफरेंस क्यों है गाइस. डिफरेंस इस वजह से है बिकॉज हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर जगह इक्वल नहीं है, वो वेरी करता है. लेकिन फिर मास जो है वो हमारा हर जगह कांस्टेंट रहता है. मास के बारे में बेसिकली क्या कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का दूर दूर तक कोई जो है इसका कोई यूज़ नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें. तो एज सच हमारा मास जो है, आप यहाँ रहकर देखो, इक्वेटर पे के पास जाके देखो या मून पे जाके देखो, आपका हर जगह जो है मास वो सेम रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड नॉट वेट. ओके, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम केमिस्ट्री में, उनका नाम एटम्स दिया जाता है. हम एटम्स के बारे में आगे और डिटेल में जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो फॉर नाउ आपको इतना पता होना चाहिए कि मैटर जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह पकड़े और जिसका कोई मास हो, और ये जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो या फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी मैटर कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. कुछ यहाँ पर जो है जैसे मैंने पहला लिखा है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, इन सब के बारे में तो आगे पता ही होगा. आगे मैंने दो चीज़ और ऐड की है
जो आपको MCQs के रिगार्डिंग जो है, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे MCQs बन सकते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा डिफरेंट है, जिसके बारे में लोगों ने कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मोस्टली उनके बारे में आपके MCQs बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड्स. ऑलराइट, सॉलिड्स हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो मैटर है वो सॉलिड है या नहीं? मैंने लिखा है कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप. इसकी क्या है? एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट बाउंड्री होती है. ये आप मार्कर देख सकते हो. ये मार्कर जो है, इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको बोलने को बोला जाए कि बताइए ये मार्कर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपके दिमाग में एकदम से ये आ जाएगा कि ये तो सॉलिड है. लेकिन आपने डिसाइड कैसे किया? डिसाइड हम कैसे करते हैं? इसकी एक कंपैक्ट शेप होती है और इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री होती है. जैसे आप इसकी देख सकते हो, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री है. इतना ही नहीं, ये रिज्ड होते हैं, यानी ये सख्त होते हैं. आप देख सकते हो ये सख्त होते हैं और ये इनकम्प्रेसिबल है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनकम्प्रेसिबल? बेसिकली दो टर्म्स हैं, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेसिबल वो चीज़ होती है जिसका फोर्स या प्रेशर लगाने पे उसकी शेप चेंज होती है. कंप्रेसिबल वो चीज़ है जिस पे फोर्स या प्रेशर लगाने पे उसकी शेप में चेंज आए. तो इनकम्प्रेसिबल क्या हुआ? ऑब्वियसली इनकम्प्रेसिबल मतलब वो जिस पे आप फोर्स या प्रेशर अप्लाई करो और उसकी शेप में कोई चेंज ना आए. तो हमारे जो सॉलिड्स हैं, बेसिकली ये इनकम्प्रेसिबल है. इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आता जब हम इन पे कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें. और सॉलिड्स का अपना कोई वॉल्यूम होता है. आप सॉलिड को जहाँ मर्जी रखो, उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा. ऐसा है नहीं कि मैं इस मार्कर को यहाँ पे रख दूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊँ और इस मार्कर का जो वज़न है पहले से कम हुआ होगा. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स की अपनी डेफिनेट शेप होती है, रिस्ट होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, तो इनका हमेशा एक डेफिनेट वॉल्यूम माना जाता है. नेक्स्ट है हमारा लिक्विड्स. लिक्विड्स को कैसे पहचानोगे आप? इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं इस बॉटल के अंदर पानी है. अगर आप देख रहे हो, जब भी मैं इस बॉटल को जो है इसकी हाइट को चेंज कर रही हूँ या वेरी कर रही हूँ, पानी जो है बॉटल की उसी के अकॉर्डिंग शेप पकड़ रहा है. ऐसे रख दिया तो आप देख सकते हो पानी की शेप, ऐसे रख दिया पानी की शेप चेंज हो गई. सो नो डेफिनेट शेप मीन्स कि आप लिक्विड्स को जिस कंटेनर के अंदर रखोगे आपको लिक्विड वैसा ही दिखेगा. अगर आप बकेट के अंदर रखते हो तो वो बकेट जैसा दिखने लगेगा, बॉटल के अंदर रखोगे तो बॉटल जैसा दिखने लगेगा. जब शेप नहीं, गाइस आप ये बात दिमाग में रखिए, जिसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं हो सकती उसकी कोई बाउंड्री हो ही नहीं सकती. सो जब डेफिनेट शेप नहीं है तो डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होगी. राइट, हाई फ्लूडिटी, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो फैलाव, लिक्विड का फैलना. जो लिक्विड्स हैं उनमें फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम कहते हैं इनकी फ्लूडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है. जैसे अगर आप सॉलिड्स की बात करो तो क्या आपके सॉलिड्स फैलते हैं? नहीं फैलते हैं, लेकिन लिक्विड्स फैलते हैं. दैट्स वाई वी से दे आर हाईली फ्लूड, फ्लूडिटी, दे हैव हाईली फ्लूडिटी. दूसरा हमारा है एक और पॉइंट यहाँ पर, लो कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबिलिटी के बारे में अभी मैंने बात की थी कि अगर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करने पे आपके ऑब्जेक्ट की जो है शेप चेंज हो जाए तो हम मानते हैं कि वो कंप्रेसिबल है. यहाँ पर मैंने लिखा है लो कंप्रेसिबल. लो मीन्स वेरी स्लाइट, मतलब अगर आप देख सकते हो बकेट के अंदर पानी रखते हैं, थोड़ा बहुत जब आप ऐसे हाथ से प्रेस करोगे वो थोड़ा बहुत शेप के अकॉर्डिंग पानी साइड में हो जाएगा. मतलब थोड़ा बहुत स्लाइट स्लाइट, आई वॉन्ट से कि ज़्यादा चेंज नहीं आता, बट हल्का सा चेंज आ सकता है. एंड डेफिनेट वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा. इसके बाद हमारा एक और जो है फॉर्म ऑफ मैटर, वो है गैस. गैस के बारे में, एज यू नो, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अपनी कोई शेप नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, आपके पास अगर गैस है आप उसको छोटे से सिलेंडर के अंदर भी जो है गैस को फिक्स कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जो गैसेज है ये हाईली कंप्रेसिबल है. मतलब आप इन पे जितना प्रेशर अप्लाई करो, जितना फोर्स अप्लाई करो, ये आराम से जो है कंप्रेसिबल हो जाते हैं. नाउ प्लाज्मा, ये हमारा फोर्थ है. शायद आप में से काफ़ी लोग जो है ये पहली बार सुन रहे हो, या मे बी आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा. प्लाज्मा के बारे में क्या कहा जाता है? इट्स अ हॉट आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स.
हमारे पास जो प्लाज्मा है ये हमारे पास एक आयनाइज्ड गैस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आयनाइज्ड गैस क्या है। आयनाइज्ड गैस ऐसी गैस होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ किए होते हैं। ये ऐसी गैस होती है जिसमें जो है आपके इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, इनका जो नंबर होगा वो इक्वल होगा। हमें प्लाज्मा कहाँ पे मिलता है, आपका ये क्वेश्चन होगा कि प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर ही हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली ये स्टार्स के अंदर होता है, सो यू कांट सी इट इन डेली लाइफ, स्टार्स के अंदर होता है। और हमारा जो नेक्स्ट है इट्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आई रिपीट इट्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। मैटर का वो स्टेट जिसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब आपका क्वेश्चन अगेन होगा नॉन साइंस जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे फॉर सच राइट नाउ आप ये याद रखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे आपके प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं इनको ये जो है कूल्ड होते हैं किस टेम्परेचर के, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, या हम कह सकते हैं जीरो केल्विन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर का वो स्टेट होता है जिसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज़ नोट इट डाउन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई चार तीन चार एग्जाम्पल्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सा है। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल्स याद रखी होंगी तो आप आराम से इसे टिक कर सकते हैं और आपका आराम से एक मार्क्स बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार एंड लिक्विड हीलियम, ये आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की एग्जाम्पल्स हैं। सो अगेन लेट मी रिपीट, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स, लिक्विड, गैस जो कि आपको ऑलरेडी पता है, प्लाज्मा के बारे में हॉट आयनाइज्ड गैस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन्स इक्वल नंबर के होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कूल डाउन किए जाते हैं नियर अराउंड टू एब्सोल्यूट जीरो, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार है एंड लिक्विड हीलियम है। ऑलराइट, आपने यहाँ पर एक और पॉइंट देखा होगा, मैंने लिखा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ऑलराइट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के इनकी जो है खासियत क्या होती है, इनके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये जो है कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सॉलिड के अंदर अगर एटम्स है और अगर मैं कह रही हूँ आपसे कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो फिर ये जो मार्कर है इसके अंदर तो पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वेल, ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये डिपेंड करता है आपका स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका जो सॉलिड होता है, उसमें जो मूवमेंट होती है, वो मिनिमम होती है। सॉलिड में जो आपके एटम्स हैं उनकी मूवमेंट जो है मिनिमम होती है, यानी जस्ट अ स्लाइट वाइब्रेशन होती है ऑन द स्पॉट। लिक्विड्स में जो मूवमेंट है वो इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट मतलब दरमियानी, ना ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है। और गैस में जो हमारी जो हमारे एटम्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। सो ये पॉइंट आप याद रखिए, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जिसमें आप ये याद रखिए कि सॉलिड जो है इसकी मूवमेंट जो है मिनिमम होती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो है इसकी मूवमेंट मैक्सिमम है, मिनिमम है, नन ऑफ द अबव, ऐसा कोई करके एमसीक्यू आ सकता है। सॉलिड्स की मिनिमम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, लिक्विड्स की आप इंटरमीडिएट याद रखिएगा यानी दरमियानी, और यहाँ पर मैं एक और डाल देती हूँ गैस, गैस की जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। ऑलराइट, हाँ जी, एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी अगेन फिजिक्स से आता है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के पास उसकी मोशन की वजह से होती है। कोई भी बॉडी जो मूव करती है उसमें जो उस टाइम पर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के नाम से कहलाई जाती है।
हमारा दूसरा पॉइंट है दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो मैटर के ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो है स्पेसेस होती है. अगेन अब आपका सॉलिड है तो स्पेस जो है वो मिनिमम होती है, ऑलराइट. अगर आपका लिक्विड है स्पेस जो है वो इंटरमीडिएट है. अगर आपका गैस है तो स्पेस जो है वो मैक्सिमम है, ऑलराइट. सॉलिड्स में आपकी स्पेसेस मिनिमम होती है. क्यों सॉलिड्स में स्पेस मिनिमम होती है? बिकॉज आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपैक्ट होता है. इनके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते नहीं है. क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल वो पास पास होते हैं. और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट स्पेसेस होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है. गैसेस में जो स्पेसेस होती है वो मैक्सिमम होती है बिकॉज उनकी पार्टिकल्स में मोशन सबसे ज़्यादा होती है. हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है दे अट्रैक्ट ईच अदर. कौन अट्रैक्ट करते हैं? ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शंस होती है. जो एक स्टेट ऑफ मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, जो हमारा सॉलिड होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है. क्या होती है? मैक्सिमम. अगेन मैक्सिमम कैसे आया? जब पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है तो इनकी प्रॉपर्टी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, तो अट्रैक्ट करेंगे. अब अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड का पार्टिकल मान लो ये एक पार्टिकल, इनको दूर दूर रखा, जितनी डिस्टेंस बढ़ा उतना अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका लिक्विड का जो होगा वो मैं इंटरमीडिएट कहूँगी. और हमारा जो गैस है, ऑलराइट, गैस, सिंस मैंने बोला कि पार्टिकल्स जो है रैंडम मोशन में होते हैं, बहुत डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस होती है बीच में, तो गैसेस में जो अट्रैक्शन होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी. आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, जो इधर सॉलिड में मोमेंट मिनिमम था इधर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मतलब बिल्कुल उल्टा. जहाँ लिक्विड का तो इंटरमीडिएट ही रहेगा, मतलब दरमियानी में ही रहेगा, जहाँ पे यहाँ गैसेस की मूवमेंट मैक्सिमम थी तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो है मिनिमम थी. सो गाइज, ये हमारा आज का लेक्चर था. हम नेक्स्ट लेक्चर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आप इसे रिवाइज करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. जान उसके अंदर नहीं है मिलेगा.